नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार की बेटी बनी यूपी रोडवेज की पहली महिला ड्राइवर। डीएम ने स्कूल बंद को लेकर जारी किया आदेश। राज्य के 11 शहरों में बनेगी एसटीपी। कोरोना ने दिया बिहार में दस्तक। सीएसके के सीईओ ने बताया बेन स्टोक्स को खरीदने पर कैसा था धोनी का रिएक्शन। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार की बेटी बनी यूपी रोडवेज की पहली महिला ड्राइवर। आज के समय में बिहार की बेटियां भी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रह रही हैं। इसी कड़ी में अब बिहार की एक और बेटी ने भी अपना जलवा सभी को दिखा दिया है। बिहार की जमुई की रहने वाली प्रियंका अपनी गरीबी को दूर करने के लिए ट्रैक्टर सीखी थी, जिसके बाद अब उन्हें यूपी सरकार के रोडवेज में सरकारी नौकरी मिल गई है और आज वह यूपी रोडवेज की पहली महिला ड्राइवर बन गई है, जिन्हें यूपी सरकार की ओर से नौकरी दिया गया है। बता दें कि अब प्रियंका परिवहन विभाग की ओर से बसों का परिचालन करेगी। प्रियंका के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वह 1 अप्रैल से अपनी ड्यूटी को करेंगी। डीएम ने स्कूल बंद को लेकर जारी किया आदेश। जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने आदेश जारी कर कहा है कि शीतलहर के दौरान पटना के 8वीं तक के निजी और सरकारी स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जारी निर्देश के अनुसार 26 दिसंबर यानी कि आज से पटना के सभी निजी और सरकारी स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। डीएम ने आदेश जारी करते हुए कहा कि ठंड के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिस वजह से सभी स्कूलों को बंद किया जाता है। राज्य के 11 शहरों में बनेगी एसटीपी। शहरों के नाले के पानी को खुले में गिरने से रोकने के लिए बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा नमामि गंगा परियोजना के तहत राज्य के 11 नए शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान बनाने को लेकर एजेंसी की तलाश शुरू कर दी गई है। बता दें कि इसके लिए जल्द ही डीपीआर बनेगी। वहीं शहर की जरूरतों को देखते हुए ड्रेनेज नेटवर्क और एसटीपी की योजनाएं तैयार की जाएगी। बता दें कि जिन शहरों में एसटीपी के लिए डीपीआर बनाई जा रही है उनमें पूर्णिया, सासाराम, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, सीतामढ़ी, अररिया, बेनीपुर, बरौनी, बीटा और शेखपुरा शामिल है। बीएसएससी पेपर लीक मामले में बिहार कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष उतरे मैदान में। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तृतीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर एक तरफ जहां सभी महकमा हरकत में आ गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब बिहार कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष रविंद्र कुमार भी मैदान में उतर गए हैं और वहां पहुंचे जहां से पेपर लीक हुआ था। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार बीएसएससी परीक्षा का पेपर लीक मोतिहारी के शांति निकेतन स्कूल से हुआ था। वहीं अध्यक्ष रविंद्र कुमार परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर केंद्र के अधीक्षक से लेकर मजिस्ट्रेट व अन्य कर्मियों से पूछताछ की। हालांकि उन्होंने इस बारे में मीडिया को कोई जानकारी नहीं दी है। कोरोना ने दिया बिहार में दस्तक। अब बिहार में भी कोरोना ने दस्तक दे दिया है। बता दें कि बिहार के बोधगया में पहुंचे 33 श्रद्धालुओं में से 4 श्रद्धालु ऐसे पाए गए जिन्हें सर्दी खांसी की शिकायत थी। शिकायत मिलने के बाद जब उनका आरटीपीसीआर जांच किया गया तो उनमें से 4 विदेशी श्रद्धालु कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं 33 में से बचे 28 विदेशी श्रद्धालु निगेटिव पाए गए हैं। हालांकि अब इन सभी संक्रमितों विदेशी श्रद्धालुओं को बोधगया के एक होटल में आइसोलेट करके रखा गया है। वहीं अभी इन संक्रमितों में से एक संक्रमित की खोज की जा रही है जो म्यांमार का रहने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार वह गया से पटना जाकर दिल्ली के लिए रवाना हो गया है। बीएसएससी सीजीएल परीक्षा प्रश्न पत्र का फोटो वायरल करती परीक्षार्थी धराई। बीएसएससी तृतीय स्नातक परीक्षा की पहली पाली में प्रश्न पत्र के फोटो को वायरल करते हुए एक परीक्षार्थी सुमन कुमारी को पकड़ा गया है। बता दें कि सुमन कुमारी को एमपीएस साइंस कॉलेज में पकड़ा गया है। वह तस्वीर को अलग अलग नंबरों पर भेजती पकड़ी गई है, जिसके बाद सुमन कुमारी के खिलाफ परीक्षा केंद्र के सह संचालक, सह साइंस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर नलीन विलोचन और परीक्षा केंद्र पर तैनात दंडाधिकारी संजीत कुमार चौधरी के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई। फिलहाल पुलिस सुमन कुमारी के पिता ब्रिजेश रंजन का प्रोफाइल खंगाल रही है और साथ ही सुमन कुमारी से पूछताछ कर रही है। अब बिहार के 4 जिलों को मिलेगी सिंचाई सुविधा और बाढ़ से राहत। जल संसाधन विभाग और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के तहत बिहार की अति महत्वाकांक्षी कोशी मेची लिंक परियोजना के निर्माण को लेकर डीपीआर बनाने के लिए जल संसाधन विभाग के नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के साथ समझौता कर हस्ताक्षर किया गया है। बता दें कि इस परियोजना के निर्माण से बिहार के सीमांचल के 4 जिलों में करीब 2.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है और साथ ही बाढ़ से भी राहत दी जा सकती है। इस परियोजना के निर्माण से जिन 4 जिलों को फायदा मिलेगा उनमें पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया जिला शामिल है।
बीएसएससी पेपर लीक कांड में मुख्य आरोपित निकला दरोगा का बेटा। बीएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर जांच जारी है। वहीं जांच के दौरान एक नई जानकारी निकलकर सामने आई है। बता दें कि अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि बीएसएससी पेपर लीक कांड के मुख्य आरोपित अजय कुमार के पिता अशोक कुमार बेतिया थाने में दरोगा के पद पर तैनात है। वहीं पिता की ड्यूटी भी बेतिया के एक परीक्षा केंद्र में लगी थी। हालांकि पिता को उनके बेटे के कारनामे के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। यह पहली बार नहीं है जब अजय कुमार को पेपर लीक मामले में पकड़ा गया है। इससे पहले भी वन एवं पर्यावरण विभाग की एक परीक्षा में परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन वह पकड़ा गया था। आरबीआई की नई गाइडलाइन से सभी जिला सहकारी बैंकों के बोर्ड होंगे भंग। भारतीय रिजर्व बैंक की नई गाइडलाइन के आलोक में बिहार राज्य सहकारी बैंक और 22 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के सभी बोर्ड भंग होंगे और बैंकों में प्रशासक नियुक्त होंगे। बता दें कि इन बैंकों के बोर्डों का कार्यकाल 16 जनवरी तक शेष है, जबकि इन बैंकों के बोर्ड की लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव प्रक्रिया दिसंबर में ही आरंभ होना था। वहीं आरबीआई की नई गाइडलाइन के अनुसार नए बोर्ड में 51% हिस्सेदारी प्रोफेशनल व्यक्तियों की होगी जिनके पास एमबीए एग्रीकल्चर और वित्तीय प्रबंधन की डिग्री होगी। भागलपुर पहुंचे ग्रेट खली युवाओं को दी नसीहत। WWE के जरिए देश का नाम पूरी दुनिया में बनाने वाले दिलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली बिहार के भागलपुर पहुंचे। दरअसल द ग्रेट खली एक निजी विद्यालय के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने युवाओं को नशा को लेकर नसीहत देते हुए कहा कि अगर आपको नशा करनी ही है तो देशभक्ति का नशा करे, खेल का नशा करे, जिम जाए, योग करे और अपने देश का नाम बढ़ाए। उन्होंने कहा कि नशा करने से सेहत खराब होती है और बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार को लेकर कहा कि बिहार में कई प्रतिभाएं हैं, बस उन्हें निखारने की जरूरत है। प्रवासी पक्षियों के कलरव से गुलजार हुआ यह झील। अगर आप भी पक्षियों को देखने के शौकीन हैं तो बिहार के भागलपुर के नारायण प्रखंड के सिंहपुर पश्चिम पंचायत के मौजमा गनौल रेलवे लाइन से सटे झील में प्रवासी पक्षियों को देख सकते हैं। क्षेत्र के पक्षी विशेषज्ञ ज्ञान चंद्र के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह सभी प्रवासी पक्षी ठंडे स्थानों से आते हैं, जिनमें से कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो भारत में ही प्रजनन करते हैं तो कुछ चारागाह की तलाश में आते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी इस झील में जिन पक्षियों को देखा जा सकता है उनमें फूलवस विस्लिंग डक ओरिएंटल डार्टर कॉमन किंगफिशर समेत कुल 45 जलीय पक्षी शामिल हैं। नए साल पर राजगीर में स्काई ब्रिज और जू सफारी की बुकिंग के लिए लगेगा इतना खर्च। अगर आप भी अपना नया साल राजगीर में स्काई ब्रिज और जू सफारी का मजा लेते हुए मनाना चाहते हैं तो बता दें कि इसके लिए आपको 3 दिन पहले नेचर सफारी राजगीर इन पर जाकर ऑनलाइन टिकट कराना होगा। वहीं अगर इसके टिकटों की कीमत की बात की जाए तो कर्मचारियों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार फिलहाल ₹250 देकर टिकट की बुकिंग कराई जा सकती है। बता दें कि नए साल के मौके पर टिकट के दामों पर कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। वहीं अगर आप ऑफलाइन से बुकिंग कराना चाहते हैं तो आप वह भी वहां के टिकट काउंटर पर पहुंचकर करवा सकते हैं। बीजेपी का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप। बिहार में शराब कांड को लेकर एक तरफ जहां पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर पलटवार है तो वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार के द्वारा दिए गए बयान जो पिएगा वो मरेगा को लेकर वह परेशानी में पड़ सकते हैं। बीजेपी के ओबीसी विंग के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि शराब से हुई त्रासदी से यह स्पष्ट हो गया है कि नीतीश सरकार की विफलता हो गई है। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हैं जो पिएगा वो मरेगा और पीड़ितों के परिवार वालों को मुआवजा भी नहीं दे रहे हैं। आखिर उन परिवारों का क्या दोष है जिन्होंने अपने कमाने वाले को खो दिया है। सरकार मरने वालों की संख्या छुपा रही है, जो मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। सीएसके के सीईओ ने बताया बेन स्टोक्स को खरीदने पर कैसा था धोनी का रिएक्शन। आईपीएल की दूसरी सबसे सफल टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने मिनी ऑक्शन में इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी बेन स्टोक्स को 16.25 करोड़ रुपए में अपने खेमे में शामिल किया है, जिसके बाद सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथ ने बताया कि बेन स्टोक्स को सीएसके में शामिल करने पर धोनी का क्या रिएक्शन था। उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्होंने बेन स्टोक्स पर बोली लगाते हुए उन्हें खरीदा तो सीएसके टीम के कप्तान एमएस धोनी का रिएक्शन देखने लायक रहा। धोनी स्टोक्स के आने पर बहुत खुश हुए, हम बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि वह आखिर में हमारे पास आ गए। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी सोमवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए, जिसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97
7 रूपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रूपए और डीजल की कीमत 95.04 रूपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रूपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रूपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, रंजीत यादव, रितीश कुमार, बाबूलाल मरांडी, रवि शंकर, कविता कुमारी, शुभम कुमार, नन्नू गोलू कुमार, मनोज कुमार, सचिन राज, अजीत कुमार, अंकित राज, कुमारी संजना, अनवर करीम खान, सितेश कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार में पेपर लीक होने का क्या कारण है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।